अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गैर महरम मैयत का चेहरा देखना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे नामहरम मैयत का चेहरा देखने का क्या हुक्म है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं। इसका जवाब आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समात फरमाएँ। सबसे पहले यह बात ज़हन नशी कर लें कि मर्द को अजनबी मुर्दा औरत को देखने की इजाज़त नहीं। अलबत्ता शौहर अपनी बीवी को देख सकता है, छू नहीं सकता। इसी तरह औरत को अजनबी मुर्दा मर्द का मुंह देखना जायज़ नहीं, मगर ये उसी वक्त जायज़ है जबकि औरत को यकीनी तौर पर फितने का अंदेशा ना हो। अगर शक भी हो कि देखने से शहवत पैदा होगी तो देखने की इजाज़त नहीं है। फतावा रिजविया में है कि शौहर को अपनी जन मुर्दा का बदन छूना जायज़ नहीं, देखने की इजाज़त है, अजनबी को देखने की भी इजाज़त नहीं है। हाँ, वो लोग दीदार कर सकते हैं जिनसे ज़िंदगी में पर्दा करना दुरुस्त नहीं था, मिसाल के तौर पे बाप, दादा, नाना, भाई, भतीजा, भांजा, चचा, मामा, बेटा, पोता और नवासा वगैरह। और जिन लोगों से पर्दा करना हयात में वाजिब था तो चाहिए कि मैयत का दीदार करके उसे अजियत ना पहुंचाए, कि जिन बातों से ज़िंदगी में अजियत पहुंचती है उनसे बाद मौत भी अजियत पहुंचती है। और वो लोग ये हैं जिन्हें दीदार मैयत की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, और वो अजनबिया औरतें जो मर्द से उसकी ज़िंदगी में पर्दा करती थी, ऐसे मुर्दा मर्द का दीदार अजनबिया औरत ना करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। फ़क़त वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।